Good afternoon, students. I welcome all my 9th ICSE students. Yesterday we started expansions. आज मैं उसको continue कर रहा हूँ. मैंने आप लोगों को WhatsApp पर एक sheet भेजी थी. मैं उस sheet के questions आप लोगों को खुद solve कराऊंगा और जो book के questions होंगे वो आप लोग solve करेंगे और doubts आप लोग मुझसे पूछेंगे. Clear? तो मैं आज आप लोगों को आगे की exercises, उनसे related formulas और concepts से start करता हूँ. चलिए, time waste नहीं करते. तो कुछ formulas कल बताए थे. आज आगे की एक्सरसाइजेस से रिलेटेड कुछ फॉर्मूले कराता हूँ और कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा. आज मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस से स्टार्ट कराऊंगा. ये वही क्वेश्चन है जो शीट में थे, जो मैंने अपनी शीट आप लोगों को भेजी थी. तो ये शुरू के 5-6 क्वेश्चंस हैं जो मैं आप लोगों को डिस्कस कराऊंगा. इफ टाइम परमिट्स तो कुछ और भी क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे. ठीक है, अगर ये क्वेश्चंस आप लोगों को समझाने के बाद क्लियर हो जाते हैं तब आप लोग मेरी शीट के क्वेश्चंस को भी आगे ट्राई करिएगा. आप लोगों ने WhatsApp पर मुझे कोई डाउट्स नहीं भेजे. दो मतलब हो सकते हैं, या तो सारे क्वेश्चंस आ गए होंगे या फिर आप लोगों ने ट्राई नहीं किए. अगर ट्राई नहीं करे हैं तो ये गलत बात है. आप लोग अपने टाइम का यूटिलाइज करिए और थोड़ा बहुत अपनी पढ़ाई में लग जाइए, अपनी तैयारी में लगे रहिए. ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं. तो पहला जो फॉर्मूला है वो ये है, ए प्लस बी का होल क्यूब. ए प्लस बी का होल क्यूब ये होता है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी. दिस इज द फर्स्ट फॉर्मूला. सेकेंड फॉर्मूला में ले रहा हूं ए क्यूब प्लस बी क्यूब. ये काफी कंफ्यूजन है, मतलब ये समझ लीजिए 9th के अप्रोक्सीमेटली 40% से ज्यादा स्टूडेंट्स को एंड पूरे 9th के एंड तक ये समझ में नहीं आता ए प्लस बी का होल क्यूब और ए क्यूब प्लस बी क्यूब में कोई डिफरेंस भी है. दोनों एक ही समझते हैं और बुक्स में इनके डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मुलेज भी दिए हुए हैं. तो आप लोग बुक के फॉर्मुले लर्न करके जो फॉर्मुले आज मैं यहां पर लिख रहा हूं इन्हीं को फुल एंड फाइनल समझना और एक ही फॉर्मुला याद करना. ठीक है, दो नाव पे पैर रखना गलत बात है. ठीक है ना भाई, तो यही फॉर्मुले लर्न करना जो मैं आज यहां पर आपको बोर्ड पे लिख के बता रहा हूं, क्योंकि क्वेश्चन जो आपसे पूछे जाएंगे वो इन फॉर्मुला से बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे. तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी. आपकी बुक में इसी का एक फॉर्मूला और लिखा हुआ है, वो मैं डिस्कस ही नहीं कर रहा क्योंकि वो करना ही नहीं है. ठीक है, इन एनी केस तीसरा फॉर्मूला उसको मैं दोबारा से वन नंबर लिख रहा हूं. इन दोनों का एक पेयर बना देते हैं, ए माइनस बी का होल क्यूब. ए माइनस बी का होल क्यूब होता है ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट में ए माइनस बी. और इसी का दूसरा जो पेयर है वो है ए क्यूब माइनस बी क्यूब. ध्यान से समझना, ए माइनस बी का होल क्यूब अलग है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज डिफरेंट. तो इसका फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. तो ये चार फॉर्मूले हैं, बहुत इंपॉर्टेंट. अब थोड़ा कोशिश करता हूं याद करने की, आप लोगों को ट्रिक बता सकूं जैसे मैंने याद किया हुआ. देखो पहला फॉर्मूला देखना जरा, फर्स्ट फॉर्मूला ध्यान से समझना. ये है ए प्लस बी का होल क्यूब. यहां पर प्लस लिखा है तो यहां प्लस प्लस मतलब ए क्यूब के आगे कोई नंबर कोई साइन नहीं है तो वो प्लस माना जाएगा. प्लस 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 सारे प्लस सारे प्लस लेफ्ट हैंड राइट हैंड सारे प्लस. ट्रिक अच्छी है. ठीक है, अब यहां देखिए ए क्यूब ए माइनस बी का होल क्यूब ये वाला, ये थर्ड नंबर का फॉर्मूला ए माइनस बी का होल क्यूब. यहां माइनस है, माइनस 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 सारे माइनस. क्लियर है, तो अगर ए प्लस बी का होल क्यूब है तो सारे प्लस, ए माइनस बी का होल क्यूब है तो सारे माइनस. कंफ्यूजन नहीं होगा. अब बात करते हैं सेकेंड वाले, इसकी बात करते हैं कि इसको लर्न करने की ट्रिक क्या है. ट्रिक है, ठीक है, कोई स्पेसिफाइड वो नहीं है कि हाँ भाई ये सर ने बताया था बुक्स में लिखा हुआ है. नहीं, दीज आर जस्ट ट्रिक्स हाउ टू रिमेम्बर द फॉर्मूलाज. ये देखिए ए क्यूब प्लस बी क्यूब है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन है तो प्लस से शुरू करना है. ठीक है, अच्छा ए क्यूब माइनस बी क्यूब क्या है बीच में, माइनस, माइनस का साइन है तो माइनस से शुरू करना है. ठीक है, ट्रिक है. इसके बाद यहां देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दोनों में सेम है. यहां माइनस ए भी आएगा और यहां प्लस ए भी आएगा, इतना लर्न करना पड़ेगा. तो ये चारों फॉर्मूलाज ना सिर्फ लर्न करने हैं, ओवर कॉन्फिडेंट बिल्कुल नहीं होना, ना सिर्फ लर्न करने हैं, कम से कम 10-10, 20-20 बार अपनी कॉपी में बिना देखे लिखने हैं. क्योंकि ये फॉर्मूला ना सिर्फ इस चैप्टर में काम आएंगे, फैक्टराइजेशन में काम आएंगे, इंडेसेस में काम आएंगे और 10th में भी ऐसे काफी चैप्टर्स हैं जहां पर ये फॉर्मूले काम आएंगे. तो ये फॉर्मूलाज बहुत अच्छे से लर्न करेंगे ताकि आप लोगों को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम ना आए, बहुत अच्छे से. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं.
अच्छा एक बात और दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, a प्लस बी का होल क्यूब, होल क्यूब ब्रैकेट लगा के ऊपर पावर थ्री अलग है, a क्यूब प्लस बी क्यूब अलग है। देखो a प्लस बी के होल क्यूब में ही a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, ये देखिए a क्यूब प्लस बी क्यूब आ रहा है, और ये देखिए ये चीज यहां लिखी है, तो इसका फॉर्मूला अलग है। तो होल क्यूब को और a क्यूब प्लस बी क्यूब को एक मत समझना। इट्स बीन 16 इयर्स ऑफ टीचिंग एक्सपीरियंस, बच्चे घर पर पढ़ते नहीं है, सिर्फ अपना जस्ट फॉर द सेक ऑफ गोइंग ट्यूशन जाते हैं, और घर पर ना पढ़ने की वजह से उन्हें लास्ट तक ये क्लियर नहीं होता कि a प्लस बी का होल क्यूब और a क्यूब प्लस बी क्यूब दीज आर टू डिफरेंट फॉर्मूलाज। दूसरी बात, बुक में इसके a प्लस ए क्यूब प्लस बी क्यूब के और भी फॉर्मूलाज दिए हैं, वो लर्न नहीं करने हैं, सिर्फ यही लर्न करना है, सिर्फ एक फॉर्मूला, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हो गए चार फॉर्मूले, मेरे ख्याल में चार फॉर्मूले मैंने कल बताए थे, चार फॉर्मूले अभी बताए हैं। एक दो बातें और कर लेते हैं। देखिए a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी और प्लस सी ए। सेकेंड है, सेकेंड जो फॉर्मूला लिख रहा हूं वो a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर से ही आएगा, बस मैं प्लस की जगह कहीं कहीं माइनस लगा रहा हूं, ठीक है। तो कैसे फॉर्मूले में चेंज हो जाएगा, देखिए फॉर एग्जाम्पल मैं लिखूं a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, a माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, इसी से ही खोलना है, बस ध्यान रखना है कि b हमारा नेगेटिव है, बस इतना ध्यान रखना है, ठीक है। तो a स्क्वायर सेम, b स्क्वायर सेम, सेम क्यों रहा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस ही होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, ठीक है, प्लस सी स्क्वायर प्लस टू। अब जब a इंटू बी करेंगे तो क्योंकि b नेगेटिव है तो ये माइनस में आएगा, ये वाली टर्म माइनस ए बी, जब b इंटू सी करेंगे अगेन b नेगेटिव है तो ये भी माइनस में आएगा, और c और ये दोनों पॉजिटिव है तो सेम, कोई चेंज नहीं है, ठीक है, समझ में आई बात। एक बार और इसको बताता हूं थोड़ा सा और ट्विस्ट करके, a माइनस बी या माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, कोशिश करना अपने आप निकालने की। तो माइनस ए माइनस बी प्लस सी का होल स्क्वायर होगा a स्क्वायर, अगेन माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, तो इन तीनों पर कभी भी किसी भी केस में फर्क नहीं आएगा, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर ही रहेगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ब्रैकेट लगाया। अब देखिए मेन कंपैरिजन आप इससे करेंगे, ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला है, ठीक है, तो ए बी जब आप करेंगे ए बी, तो ए बी नेगेटिव है और बी भी नेगेटिव है, और माइनस इंटू माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो ए बी अगेन पॉजिटिव आएगा। अब देखिए बेटा अब हमें करना है बी सी, तो बी नेगेटिव है सी पॉजिटिव है, माइनस इंटू प्लस क्या होता है, माइनस, तो ये माइनस में आएगा बेटा, और सी इंटू ए, सी पॉजिटिव है ए नेगेटिव है, प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, तो ये माइनस में आएगा, ठीक है। इस तरीके से अगर हम बी में माइनस लगाएं एक नया फॉर्मूला, सी में माइनस लगाएं एक नया फॉर्मूला, ए में माइनस लगाएं एक नया फॉर्मूला, यहां मैंने ए और बी दोनों में माइनस लगाया, तो आप लोग ट्राई करिएगा अपने अपने आप खुद से नए नए फॉर्मूले बनाने की। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूं माइनस ए माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये अपने आप ट्राई करना क्या आएगा, ठीक है, मैं लिख देता हूं, समझा नहीं रहा हूं, आप लोग जब अपने आप से निकालें तब देखिएगा कि तुम्हारा और जो मैंने कराया वो सेम है या नहीं। ये आएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू, ए बी करूंगा माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, बी सी करूंगा माइनस इंटू माइनस तो प्लस हो जाएगा, सी ए करूंगा माइनस इंटू माइनस तो भी प्लस हो जाएगा, तो यानी कि ये बिल्कुल फर्स्ट के जैसा ही है। खैर आगे बढ़ते हैं, तो ये एक फॉर्मूला और हुआ, एक फॉर्मूला और है, देखिए इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो हो, इफ ए प्लस बी प्लस सी जीरो हो, यानी तीन टर्म्स का एडिशन जीरो हो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब की वैल्यू थ्री ए बी सी होती है। दिस इज द फॉर्मूला, इफ ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू जीरो, देन ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब इज इक्वल टू थ्री ए बी सी। अच्छा स्टूडेंट्स, आप लोग सोच रहे होंगे कि फॉर्मूलाज इतने सारे हैं कैसे याद होगा, ये तो फर्स्ट चैप्टर है, तो एक बात बहुत क्लियर कर दूं, ठीक है, वो ये कि एट्थ और नाइन्थ में डिफरेंस है, लेवल में डिफरेंस है।
आप लोग अगर इस टाइम को वेस्ट करेंगे तो दिक्कत आएगी। और नाइन्थ जो है वो टेंथ की एक तरीके से नींव है, यानी कि अगर आपका नाइन्थ कमजोर रहा तो टेंथ में भी वो प्रॉब्लम बरकरार होंगी और बढ़ेगी। तो बस मेरी एडवाइस यही है कि इन वीडियो लेक्चर्स के थ्रू आप लोग पढ़िए, टाइम को यूटिलाइज करिए, मेरे वीडियो लेक्चर्स को पूरा पूरा देखिए, यानी कि अगर मैं 15 मिनट का बना रहा हूं तो 15 मिनट पूरे देखिए, एक बार नहीं तो दो बार देखिए, तीन बार देखिए, तब तक जब तक आपको चीजें क्लियर ना हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं चाहूं तो अपने वीडियो लेक्चर्स को 30 मिनट्स या 40 मिनट्स का बना सकता हूं, मैं इसीलिए नहीं बना रहा ताकि 15 मिनट्स या 17 मिनट्स के वीडियो लेक्चर्स को कोई भी स्टूडेंट्स आसानी से पूरा देख सके। और सिर्फ देखने से काम नहीं चलेगा, आप लोग प्रॉपर कॉपी और पेन से नोट करिए हर चीज जो मैं यहां बोल रहा हूं, जो मैं समझा रहा हूं, क्योंकि अगर फॉर्मूलास क्लियर होंगे तो क्वेश्चंस की पकड़ बनाने में काफी इजी होगा, आप लोगों के कॉन्सेप्ट अच्छे बनेंगे। दीज आर द स्टार्टिंग चैप्टर्स, अगर ये चैप्टर्स अच्छे हो गए तो यकीन मानिए आगे नाइन्थ के जो चैप्टर्स हैं उनमें भी आसानी जरूर मिलेगी, जरूर होगी, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये मेरी शीट का क्वेश्चन है और ये जो मैंने शीट बनाई है इससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में आएगा नहीं, ना आज तक आया है, बिलीव मी। ये जो 32 क्वेश्चंस की शीट है अगर ये कर लेते हैं तो नंबर एक या तो यही क्वेश्चंस आएंगे, और अगर डिफरेंट क्वेश्चन भी आए तो इसी पैटर्न पर आएंगे, इससे बाहर नहीं आएगा। तो किसी और किताब को करने की जरूरत नहीं है, एक किताब जो स्कूल में प्रिस्क्राइब्ड हो, मैं कोई बुक प्रिस्क्राइब नहीं कर रहा हूं कि यू कैन टेक, यू कैन परचेज कंसाइज, और यू कैन टेक ओपी मल्होत्रा, और यू कैन टेक एमएल अग्रवाल, नहीं कोई नहीं, कोई बुक मैं प्रिस्क्राइब कर ही नहीं रहा हूं। जो आपके स्कूल में बुक लगे वो करनी है, और नंबर दो जो शीट्स में भेज रहा हूं वो करनी है, इसके अलावा तीसरा कोई काम नहीं करना, ठीक है। चलिए तो फर्स्ट क्वेश्चन है ए माइनस वन अपॉन ए इक्वल्स टू फोर, ये हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर, ये फाइंड आउट करना क्या है, इन दोनों का स्क्वायरिंग कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यानी कि दोनों साइड में स्क्वायर कर दिया, तो a माइनस वन अपॉन ए का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 16, a माइनस बी के होल स्क्वायर से इसे खोलेंगे जो कल पढ़ाया था, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू इंटू ए इंटू वन अपॉन ए, डायरेक्ट माइनस टू भी लिख सकते हो, इज इक्वल्स टू 16, तो ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर माइनस टू जब इधर जाएगा तो प्लस टू हो जाएगा 18, ये आंसर आ गया, खत्म फर्स्ट पार्ट इज ओवर, ठीक है। 18 मैंने शायद आंसर भी लिखा हुआ है, ये देखिए 18 फर्स्ट पार्ट का आंसर है। अब सेकेंड पार्ट है ए टू द पावर 4 प्लस वन अपॉन ए टू द पावर 4, ये फाइंड आउट करना है, तो ये जो हमारा फर्स्ट आंसर निकला है इसी को कंटिन्यू करेंगे, दोबारा से स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में फिर से स्क्वायर कर रहा हूं, ए यहां पर स्क्वायर आएगा, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 18 का होल स्क्वायर, ठीक है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर से खोल देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी, तो इसका होल स्क्वायर क्या आएगा बेटा, ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस टू, डायरेक्ट लिख रहा हूं प्लस टू क्योंकि ए बी से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, इज इक्वल टू 18 का स्क्वायर 324 होता है, सो दिस इज 2 2s are 4, अगेन 2 2s are 4, और ये प्लस टू इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 324 माइनस टू इट इज इक्वल टू 322, तो ये मेरे सेकेंड पार्ट का आंसर है, चेक कर लेते हैं आंसर लिखा हुआ है 322। थर्ड पार्ट पर आते हैं, थर्ड पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छा है, ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब हमें निकालना है, ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब ये निकालना है हमें, आइए देखते हैं, मैंने रब नहीं किया इसकी शायद जरूरत पड़ेगी, तो थर्ड पार्ट है ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, ये बहुत अच्छा है कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, आगे भी काफी हेल्प करेगा। ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब को मैं कैसे निकाल रहा हूं, इसके दो मेथड बता रहा हूं, मेथड नंबर वन, मैं यहां पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला खोल रहा हूं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होल क्यूब नहीं, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस ए बी, ए बी यानी ए इंटू वन अपॉन ए, ये कैंसिल, ठीक है ना,
ए क्यू माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ठीक है। आइए देखते हैं, तो ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब की वैल्यू आई, ए माइनस वन अपॉन ए मेरे पास क्या दिया हुआ है, ये देखो ए माइनस वन अपॉन ए फोर है, ब्रैकेट लगाया, ए स्क्वायर प्लस वन अपॉन ए स्क्वायर की वैल्यू मैंने निकाल ली थी 18, यहां लिख दूंगा 18, और प्लस ये ए से कैंसिल हुआ 1, तो प्लस 1, 4 इंटू 19 ये हुआ 76, आंसर है 76, ये देखिए लिखा हुआ है। तो ये मेथड तो बहुत ही अच्छा मेथड है, बेस्ट मेथड है, लेकिन अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो एक दूसरा मेथड भी है जिससे आप लोग इसे फाइंड आउट कर सकते हैं, वो मेथड भी समझा देता हूं, क्योंकि मैं देखता हूं जब मैं पढ़ा रहा होता हूं काफी बच्चे इस मेथड से भी करते हैं जो मैं करने वाला हूं। मुझे निकालना है ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, तो मैं इसमें क्या करने वाला हूं, ए माइनस वन अपॉन ए का होल क्यूब कर रहा हूं, यानी ए माइनस बी का होल क्यूब, ये भी ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ए माइनस बी का होल क्यूब होगा ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब माइनस थ्री ए बी, ब्रैकेट में ए माइनस बी, ठीक है, ए से कैंसिल हो जाएगा। तो a माइनस वन अपॉन ए की वैल्यू देखिए बेटा, ये लिखी हुई है 4, तो हम लिख देंगे 4 का होल क्यूब, क्योंकि यहां होल क्यूब है तो क्यूब आना जरूरी है। a क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, माइनस थ्री इंटू, ये देखो बेटा फिर से a माइनस वन अपॉन ए, a माइनस वन अपॉन ए की जगह मैं 4 लिख दूंगा, ये लिख दिया 4। अब 4 का क्यूब मतलब 4 इंटू 4 कितना होगा 64 इज इक्वल्स टू ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब माइनस 12, ये 12 जो माइनस का इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा, 64 प्लस 12 इज 76, ए क्यूब माइनस वन अपॉन ए क्यूब, ये देखिए 76, यहां से भी 76 है यहां से भी, दोनों मेथड अच्छे हैं। देखिए इसमें शायद एक लाइन में आंसर आ गया, इसमें 1 2 3 4 लाइन में आंसर आया, लेकिन ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो जो समझ में है, और बेटर तो ये है कि दोनों मेथड से करके देखो ताकि प्रैक्टिस अच्छी हो जाए। नेक्स्ट, अब देखिए दूसरा क्वेश्चन, दूसरे क्वेश्चन पर आते हैं। दूसरे क्वेश्चन में लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, वी हैव टू फाइंड एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, सेम क्वेश्चन है उसी पैटर्न पर बेस्ड है, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 18, मुझे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है, यहां माइनस है इस चीज पर जरा ध्यान रखना, ठीक है ना, तो मुझे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले स्टेप में मैं लिख रहा हूं एक्स माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे स्क्वायर वाली टर्म गिवन है, क्या होगा इसका ए माइनस बी के होल स्क्वायर से, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस टू, ठीक है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मुझे पता नहीं है, कोई बात नहीं ऐसे जस्ट लिख दो, ये लिख दिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू देखो बेटा लिखी हुई है 18 माइनस टू, 18 माइनस टू इज 16, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स आया 16 का स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर है, जब ये राइट हैंड साइड में जाएगा तो स्क्वायर रूट हो जाएगा, स्क्वायर रूट को अंडर रूट भी बोलते हैं, पता है ना, 16 का स्क्वायर रूट होता है 4, मैंने यहां 4 लिखा है, आप भी अगर 4 लिखेंगे तो ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, नंबर नहीं कटेंगे, लेकिन कायदे से 16 का स्क्वायर रूट प्लस माइनस 4 होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि 4 का स्क्वायर भी 16 होता है और माइनस 4 का स्क्वायर भी 16 होता है, लेकिन इतनी ज्यादा कोई डीप में जाता नहीं है, तो अगर आप 4 भी लिखेंगे तो भी ठीक है, क्योंकि क्लास छोटी है, 9th क्लास, ज्यादा इतना टीचर इग्नोर कर देता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो मैं 4 से ही काम चल रहा हूं बिकॉज ये स्टार्टिंग है, जब हम आगे बढ़ेंगे तो आप लोगों को और छोटी छोटी बातों पर ध्यान देना सिखाऊंगा। एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू आ गई 4, अब मुझे क्या निकालना है, एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, दो मेथड है निकालने के, तो मैं पहले मेथड ये बता रहा हूं आपको, फर्स्ट मेथड एक्स क्यूब मेथड नंबर 1 माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब, कौन सा फॉर्मूला लगाने की सोच रहा हूं मैं, इसमें मैं लगाने की सोच रहा हूं ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला ए माइनस बी ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए बी, यानी एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, तो ये 1 आ जाएगा, ठीक है। एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब मुझे फाइंड आउट करना है, एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू ये देखिए निकाली हमने 4, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू है 18 और प्लस 1, प्लस 1 करना मत भूल जाना, ये मैं सोचता कट गया, कट गया, खत्म हो गया, खत्म नहीं हुआ, 1 टाइम कटा है, ठीक है,
तो 4 × 19 आंसर आया 76। देखिए आंसर यहां लिख दिया था मैंने पहले, 76 आंसर है, ठीक है। दूसरा मेथड एक बार और समझा दूं इसी क्वेश्चन को। देखिए मुझे यहां x³ - 1/x³ निकालना है, और अब की बार मैं फॉर्मूला लगा रहा हूं a माइनस बी का होल क्यूब। देख रहे हैं ना, हर क्वेश्चन में फॉर्मूला आ रहा है, इसीलिए पहले एकदम क्वेश्चन पे जंप नहीं करना है, पहले ढंग से हर फॉर्मूला कम से कम 10-10 बार अपनी कॉपी पे लिखना है, ढंग से लर्न करना है, ठीक है। अच्छा एक और बात, जैसे हमने a माइनस बी का होल क्यूब यहां अप्लाई करना है, लेकिन यहाँ a नहीं है, b नहीं है, यहाँ पर a की जगह क्या है x है और b की जगह क्या है 1/x, तो इस तरीके से भी प्रैक्टिस कर दिए तो क्वेश्चंस में प्रॉब्लम आएगी ही नहीं, एक मिनट में क्वेश्चन सॉल्व होगा, ठीक है। तो a माइनस बी का होल क्यूब एक बार बोल देता हूं, a³ - 3ab ब्रैकेट में a माइनस बी, तो x³ - 1/x³ - 3, क्योंकि x और 1/x कैंसिल हो जाएगा ब्रैकेट में, x - 1/x। अब x³ - 1/x³ ये वाली टर्म निकालनी है, और x - 1/x की वैल्यू है 4, जो कि मैं यहां लेफ्ट हैंड साइड में लिख दूंगा 4 का क्यूब, और x³ - 1/x³ ये मुझे फाइंड आउट करना है, -3 × ये देखो x - 1/x फिर से आ गया, x - 1/x की वैल्यू है 4, ठीक है, 3 × 4। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इस 3 का मल्टीप्लाई कर देते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करना, x - 1/x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, यानी कि वैल्यू रखनी है, तो 4 का क्यूब हो गया 4 × 4 × 4, 4 × 4 = 16, 4 × 4 = 64, x³ - 1/x³ - 12, ये -12 जब इधर आएगा तो 64 + 12 = 76। आज की क्लास में इतना ही रखते हैं, आप लोग अब मेरी शीट को भी ट्राई करिए अगर कर सकते हैं तो, नेक्स्ट क्लास जो शायद आज ही आ जाएगी मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, और अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है सो डू सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर इट विद योर क्लासमेट्स विद योर स्कूलमेट्स, ताकि इस लॉकडाउन का जो टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है वो पूरी तरीके से यूटिलाइज हो पाए, ठीक है, और मैं अपने चैनल को थोड़ा ज्यादा देर तक चला पाऊं, ठीक है ना, अपनी वीडियो लेक्चर्स को थोड़ा ज्यादा टाइम तक करता हूँ, दैट इज इट विल बी पॉसिबल जब सब्सक्रिप्शन मेरे पास काफी अच्छे नंबर्स में होंगे, सो सब्सक्राइब द चैनल ताकि आप लोगों को अच्छे से अच्छा ज्यादा बेनिफिट हो। थैंक यू।